क्वेश्चन नंबर 536, उच्च अंतांश पर मानव शरीर में आरबीसी, तो इसका आंसर आएगा सी की संख्या बढ़ेगी। 537, सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। 538, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, बी डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन 539, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, डी ए बी। क्वेश्चन 540, निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक सर्वात्रिक दाता होता है, बी ओ। 541, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो, यदि महिला का रक्त वर्ग बी हो, तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा, तो आएगा डी ओ नहीं होगा उनमें। यदि पिता का रक्त वर्ग ए है, माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग होगा, सी ओ होगा। 543, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन सा रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्त कर सकता है, दान कर सकता है, किसको करेगा, डी बी तथा ए बी को। 544, सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो सी मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सी परमस्तिष्क। यदि 546, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो ए मस्तिष्क कोशिकाओं में। फाइव फोर सेवन, यदि मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो सी 31। 548, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है, तो सी कशेरुक रज्जु में। 549, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने में शादीपूरण रूपांतरण होने को कहते हैं, ए वायु श्वसन। 550, हमारी छोटी हुई सांस की हवा में O2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, ए 4%। क्वेश्चन 551, क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है, बी पायरू वी कमल का। नेफ्रॉन किससे संबंधित है, तो आएगा सी वक्कर और किडनी से। 553, डायलिसिस अपवोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो आएगा डी किडनी और वक्को। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, बी अंडवाहिनी में। 555, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, सी अल्ट्रासाउंड का। 556, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है, बी बीजांडसन में। 557, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, बी ट्यूबेक्टोमी। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है, बी जठर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष। सी फाइव 560, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सी पिट्यूटरी। 561, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, बी ऑक्सीटोक्सिन। 562, थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन होता है, ए टी एस एच। 563, निम्नलिखित में से किस शुक्रिया के लिए के कारण मानव शरीर में मिक्सीडिमा होता है, डी अवटु ग्रंथि।
5, 6, 4 निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? ए थायरोक्सिन। 5, 6, 5 निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के स्वतंत्र कार्य करती है? डी प्राव2। 5, 6 रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? ए अधिवक। जीवन रक्षम हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ए एड्रिनल। इंसुलिन एक प्रकार का बी हार्मोन है। 5, 6, 9 प्रकाश वर्ग किसकी इकाई है? ए दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? सी थाइमस। आंख में किस प्रकार का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? डी रेटिना। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना के रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं? ए कॉर्न्स। आयरिस का कार्य है? सी पुतली के आकार को नियंत्रित करना। 5, 7, 5 त्वचा का रंग किसके कारण होता है? डी मेलानिन। मानव शरीर के का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सी त्वचा। 5, 7 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर के लिए सबसे अधिक कठोर होता है? बी दलंत वक। 5, 7, 8 मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ए तांबा। 5, 7, 9 मानव का सामान्य रक्त दाब होता है? ए 120/80 mmHg। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? बी 37 डिग्री सी। कैप्सूल का आवरण होता है? कैप्सूल का आवरण होता है डी स्टार्च का। शहद का मुख्य घटक है? डी फ्रक्टोज। शहद के मुख्यतः होते हैं, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? बी कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ए कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? डी ग्लाइकोजेन। 5, 8, 6 एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? डी कार्बोहाइड्रेट। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्ति किया जाता है? सी भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? ए प्रोटीन। 5, 8, 9 प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ए शरीर का निर्माण करने वाला। 5, 9, 0 एंजाइम मूल रूप से क्या है? बी प्रोटीन। 5, 9, 1 जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेल करने की उत्तरदायी पदार्थ है? सी एंजाइम। 5, 9, 2 किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? सी चावल। 5, 9, 3 निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत होता है? डी सोयाबीन। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? बी दालों से। प्रोटीन का सर्वमुख्य स्रोत है? डी सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है? 5, 9, 6 बी वसा उत्तक में। 5, 9, 7 निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? सी विटामिन। 5, 9, 8 निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ए विटामिन। गाजर किस विटामिन का समृद्ध सोर्स है? 5, 5, 9 ए विटामिन ए का। 6, 0 मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? ए यकृत में। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? ए विटामिन ए।
602 विटामिन ए उपलब्ध होता है, सी गाजर से थायामिन है, डी विटामिन B1 साइनोकोबालमिन है, डी विटामिन B12। फाइव जीरो फाइव विटामिन को खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चरम जो स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, सी विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, सी आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नाम, बी एसोर्बिक अम्ल। एसोर्बिक अम्ल है। ए विटामिन, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, सी विटामिन सी। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है, सी विटामिन डी। प्रातःकाल धूप में मानव शरीर से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, सी विटामिन डी। 612 मछलियों में यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, ए विटामिन ए।